हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज, ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यू जॉब डिटेल लेकर कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने निकाली है अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि है आपकी 139 पोस्ट के लिए। इसकी जो स्टार्ट डेट रहेगी वो 26/4/2018 है और लास्ट डेट जो है 17 मई 2018 रहने वाली है। तो जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जो अप्रेंटिस है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है। इसके अंदर जो आपकी ट्रेड है वो है आपकी प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। ये जो आपकी है कोपा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी जो पोस्ट है वो है 139 और आपका जो ट्रेनिंग है वो एक साल की रहेगी और आपको जो भत्ता है इस समय वो मिलेगा 8,189 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो आपकी आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। किसके अंदर? कोपा के अंदर, मींस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में। और यदि आपके पास जो एज लिमिट है इसके अंदर वो आपकी 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, जितनी भी है आपकी एज आप इसको भर सकते हैं, जो कि आपकी काउंट होगी 1/5/2018 को। यदि आप पहले से ही कोई गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद जो छूट है बाय कैटेगरी वो आपको मिलती है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका वो 26/4 से 17/5 तक आपको अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपकी जो फीस है वो 20 रुपये रखी है ही है, जिसको आप बैंक चेक, डीडी या पोस्टल ऑर्डर या पे ऑर्डर के थ्रू जमा करा सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड डिटेल दी गई है उनके बैंक खाते की, आईएफएससी कोड की, जहाँ पर आपको फीस जमा करानी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा कोई भी और टर्म में एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। आपको ये अप्लाई करना है तो आपको विभाग की जो वेबसाइट है apprenticeship.gov.in पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा और अप्लाई करना होगा। इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप फुल डिटेल नोटिफिकेशन के साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और आपको कैसे ये अपलोड करना है वो सब डिटेल वहां पर आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अभी लिस्ट है कि आपको जो प्रोसीजर है सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके हिसाब से वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के समय ले जाने होंगे। एक तो हो गया फर्स्ट नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद आपका 10th की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, लीव सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है, मैरिज सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है, और फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका कैसे होने वाला है, इसमें आपकी मेरिट बनेगी जो कि आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं ट्रेड के अंदर, जो कि आपका कोपा सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से इसमें जो आपके ट्रेड सर्टिफिकेट में मेरिट बनेगी। और मेरिट लिस्ट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी 24/5/2018 से, तो आप वहां पर जाकर इसको देख पाएंगे, जो कि आपकी इनकी वेबसाइट है www.mumbaiport.gov.in पर। तो फ्रेंड्स, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई कुछ खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे ऐसे ही और वीडियो आप देख सकते हैं www.youtube.com/a24knowledge पे। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।